हेलो गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत हो गए। गाइस मेरा नाम है मूसा और आप लोग देख रहे हैं कोई गेम नाम है यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हमें एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलने वाला है, हाँ या ना। मैं तो सबसे पहले तो इस हवाले से आज आप लोग को सारी न्यूज़ बताने वाला हूँ कि क्या ये मैच होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन पहले देखो इंट्रो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले रोमन वर्सेस सैमी की न्यूज निकल के आई थी। एक्टर में रसेल बदी ने बताया कि ब्रेकिंग दबी भी प्लानिंग रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन एट एलिमिनेशन चैम्बर। टोल्ड रोमन वर्सेस सैमी इज 100% लॉक फॉर एलिमिनेशन चैम्बर, येट टू बी डिसाइडेड इट फॉर वन बेल्ट और बोथ, मोर टुवर्ड्स द ब्रेकअप शुड हैपन टुनाइट। कि WWE प्लान कर रही है कि WWE को रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का एक मैचअप का प्लान चल होगा। और ये वीडियो तो फिलहाल मैं अभी शूट कर रहा हूँ सैटरडे को, और तो आप लोग शायद संडे को देखोगे। तो इनने बताया है ये वीडियो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कि शायद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अगले यही वाले जिस वो अभी गुजर गए इसमें तो हुआ नहीं, लेकिन अगले स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है जो हमें लीड कर सकता है रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के एलिमिनेशन चैम्बर के मैच के हवाले से। अब ये न्यूज़ कितनी कन्फर्म है ये हम पूरी तरीके से बता नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि रोमन रेंस के लिए अब WWE प्लान कर रही है सैमी ज़ेन को उनका अपोनेंट। और आप लोग इस मैच के हवाले से कितने एक्साइटेड हो? अगर ये मैच होता है रोमन रेंस और सैमी ज़ेन, मेरे लिहाज से ये मैच अगर होता है तो काफ़ी अच्छा फाइटिंग हवाले से भी होगा और वैसे भी होगा, और ये मैच इतना प्रिडिक्टेबल भी होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन ये मैच काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि रोमन रेंस ने अपना ट्रस्ट दिया है वो भी सैमी ज़ेन को। और जो रोमन रेंस का ट्रस्ट तोड़ता है उसके साथ क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें देखने को मिल जाएगी इस मैच में। अब ये न्यूज़ पक्की है या झूठी है ये तो अब तक खबर नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा होता है जो अभी न्यूज़ निकली मैंने उस हिसाब से आप लोगों को बताया है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बेस्ट मैच होने वाला है। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं बता दूँ एक और चीज़ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक एक नंबर के हिसाब से कि रॉयल रंबल में गाइस कौन सा सुपरस्टार किस नंबर पे एंट्री करने वाला है। और वो वीडियो में मैंने कोई तकरीबन 3-4 कितने दिन लगाए थे, इतनी मेहनत करी थी मैंने उस वीडियो में, लेकिन वो वीडियो किसी ने देखी नहीं। तो गाइस प्लीज़ जाके वो वीडियो को देखो, चेकआउट करो। मैं यहाँ आपको लिंक भी दे दूँगा एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगा, और आपको मैं यहाँ पर आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा। मेक श्योर करो वो वीडियो को चेक करो, कमेंट करो, लाइक करो। और आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सुनते के भी साथ। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।